बच्चों, गुड मॉर्निंग बेटा। हम क्वांटिटी और डिफरेंशिएबिलिटी वाला टॉपिक कर रहे थे, जिसमें आपको किसी इंटरवल पे फंक्शन के कंटिन्यूअस होने का मतलब बताया था। कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने पढ़े थे क्या कि भाई आइडेंटिटी फंक्शन जो होता है ना, वो क्या होता है, हमेशा कंटिन्यूअस होता है। कॉन्स्टेंट फंक्शन जो होता है वो भी हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूअस। एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है वो भी हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूअस। पॉलीनोमियल फंक्शन है, पॉलीनोमियल जो भी आप लेना चाहो, 2 डिग्री की, 3 डिग्री की, जैसे मैंने 2x² + 5x + 1 ले लिया, तो पॉलीनोमियल फंक्शन भी क्या होता है, कंटिन्यूअस। रैशनल फंक्शन है जो p(x)p(x) फॉर्म में होगा, जैसे 2x + 1/(x-3) है, तो क्या कहेंगे भी, जो इसकी डोमेन होगी, डोमेन क्या होगा, रियल माइनस में 3, उस डोमेन पे ये रैशनल फंक्शन भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। अब देखो ये सारा हमने पढ़ लिया था, साथ में ये भी पढ़ा था साइन फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है, कोसाइन फंक्शन भी एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है। अभी एवरीवेयर वर्ड का थोड़ा ध्यान रखना है, टेंजेंट फंक्शन है ना, उसके बारे में हम नहीं कह सकते एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है। टेन 90 कितना होता है, इन्फिनिटी, जो डिफाइनेट नहीं होता, तो क्या कहेंगे कि भाई टेंजेंट फंक्शन है ना, वो कंटिन्यूअस होगा इन देयर डोमेन। यहाँ पर भी हमने ये कहा था रैशनल के लिए कि अपने डोमेन में क्या होगा, कंटिन्यूअस। क्या मतलब है इस डोमेन में, अगर तुम्हें यूँ कहा जाए x = 3 पे करो, तो 3 पे फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, और जो फंक्शन डिफाइन ही नहीं है जिस पॉइंट पे, तो वहां पर वो कंटिन्यूअस भी नहीं होगा। अब देखो फर्स्ट चैप्टर में हमने फंक्शन की कंपोजिशन पढ़ी थी, और एक पढ़ा था मॉडुलस का, तो हमने इसी में किया था पहली एक्सरसाइज में। सुनो पहले मॉडुलस का करवाते हैं। f(x) अगर मॉडुलस फंक्शन है, mod(x), क्योंकि जो मॉडुलस फंक्शन होता है ना, वो भी क्या होता है, हमेशा कंटिन्यूअस। मोड हटाना मेरे ख्याल में आपको आता होगा, कैसे बताया था बोलो, क्या देखना आपको कि मोड ऑफ एक्स में एक्स के माइनस में क्या है, यहाँ पे कुछ भी नहीं होने का मतलब क्या है, 0। उसके दो केस बताए थे, एक्स के माइनस वाले टर्म से लेस ले लो और ग्रेटर देन और इक्वल टू ले लो, तो 0 से लेस ले लिया, 0 से ग्रेटर। 0 से लेस के लिए लेने, जैसे आपने -1 लिया, -2 लिया, तो विदाउट मोड की बात हो रही है, तो फंक्शन कैसा है, नेगेटिव, तो उसके आगे क्या लगा दो, नेगेटिव साइन। 0 से ग्रेटर के लिए आपने 1 लिया, 2 लिया, तो कैसा आएगा, पॉजिटिव। अच्छे से समझाई थी ये चीज आपको, कि यहाँ जैसे मोड में तो हमें कहते हैं वैल्यू नेगेटिव होती ही नहीं है, आपको मैडम यहाँ नेगेटिव, ये नेगेटिव साइन ही तो उसको क्या बनाएगा, पॉजिटिव। अगर आपको इसकी क्वांटिटी चेक करनी हो तो आप चेक कर सकते हो, ये बताओ फंक्शन की वैल्यू जब तुम 0 पे निकालोगे तो यहां से आएगी 0। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन कौन होगा, -x, x 0 नेगेटिव को टेंड करेगा, तो x की जगह क्या रखेंगे, 0 माइनस एच, एच को 0 करने से वो भी क्या आएगा, 0। राइट लिमिट भी क्या आएगी, 0। और भी कोई फंक्शन उठा लो, अगर आपके पास मोड ऑफ x प्लस में 2 है, तो पहले तो मुझे तो इसका मोड कैसे हटाया जाएगा, ध्यान है क्या, हम ये देखेंगे कि x के माइनस में क्या है, तो उसके माइनस में तो -2 है, ना कि 2। इसके दो केस बना लो, क्या अगर x -2 से लेस है, तो -2 से लेस तो -3 -4 है, रखोगे यहाँ पे, तुमने -3 रखा तो -3 प्लस का 2, तो नेगेटिव वैल्यू आई कि नहीं आई, तो हम क्या करेंगे, मोड तो हटा देंगे और इसका भी नेगेटिव साइन लगा देंगे। जब x को ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 लेंगे, -2 या उससे बड़ा मैंने -1 ले लिया, तो -1 और +2, तो वैल्यू पॉजिटिव आई कि नहीं आई, ये तो होगा मोड हटाना। और अब आप इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करके देख सकते हो, फंक्शन क्या आएगा, कंटिन्यूअस। देखो इधर फंक्शन की वैल्यू अगर हम -2 पे निकालें, तो -2 पे फंक्शन की वैल्यू यहां से आएगी -2 + 2 0। जब तुम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो लिमिट एक्स टेंड करेगी -2 के नेगेटिव को, और -2 से लेस का फंक्शन कौन है, -x और -2, हम x को क्या बुक करेंगे, -2 - h, तो ये भाई लिमिट एस टेंड्स टू 0, x की जगह -2 - h और ये माइनस में 2, तो लिमिट एस टेंड्स टू 0 अंदर भेजे तो 2 और प्लस में h और माइनस में 2, तो ये कैंसिल हो गया, 0 आया कि नहीं आया। आप चाहे राइट लिमिट चेक करें ना, वो भी हमारी क्या आएगी, 0। तो हम क्या कहेंगे कि मॉडुलस फंक्शन जो है ना, वो भी हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूअस। उसके बाद अब इससे हम लास्ट क्या पढ़ रहे हैं, कंपोजिशन। कंपोजिशन वाला टॉपिक हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था 1.4 एक्सरसाइज में, 1.4 में कौन सा,
एफ सर्कल जी, जी सर्कल एफ वाला जो था वो हमारी क्या थी, फंक्शन की कंपोजिशन थी। देखो बेटा क्या कहना चाह रहा है कि अगर एफ और जी दोनों फंक्शन कॉन्टिन्यूस हैं, एफ और जी अगर कॉन्टिन्यूस हैं, तो उनसे बनने वाली जो कंपोजिशन होगी वो भी क्या होगी, कॉन्टिन्यूस होगी। दो कंपोजिशन, दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन की कंपोजिशन जो होती है वो भी क्या होती है, कॉन्टिन्यूस होती है। अब फंक्शन आपको मिलेंगे, फंक्शन हमें देगा, हम कंपोजिशन निकाल कर उसकी क्वांटिटी चेक करेंगे। जैसे वी एफ ऑफ एक्स अगर 2x प्लस में 3 है, आप इसकी क्वांटिटी किसी भी पॉइंट पर चेक करो, ये पॉलिनोमियल है। और अभी अभी हम जस्ट पढ़ चुके कि पॉलिनोमियल फंक्शन एवरीवेयर क्या होता है, कॉन्टिन्यूस। जी ऑफ एक्स भी हमने फंक्शन ले लिया वो ले लिया एक्स स्क्वेयर प्लस में 2, किसी भी पॉइंट पे आप इसकी क्वांटिटी चेक कर सकते हो, ये हमेशा क्या मिलेगा, कॉन्टिन्यूस। एफ और जी दोनों कॉन्टिन्यूस हैं, या दोनों में यूं कह दो एट एक्स इज इक्वल टू 2 की बात कर रहे हैं, दोनों के दोनों फंक्शन 2 पे क्या है, कॉन्टिन्यूस। ये आपका काम है, चेक कर लेना। हम यहां से कंपोजिशन लिखेंगे जी सर्कल एफ, जी सर्कल एफ ऑफ एक्स। इस एक्स का मतलब ये नहीं है, आपको बताया भी था कि हम एक्स से मल्टीप्लाई करें। इस x का मतलब क्या है कि f और g अगर x के फंक्शन है तो जो कंपोजिशन आएगी वो भी किसका फंक्शन होगी, x का। देखो क्या आएगा, g ऑफ f ऑफ x। अब g ऑफ f ऑफ x क्या है, 2x प्लस में 3। g वाले फंक्शन में गए और x की जगह क्या रख दिया, 2x प्लस 3, तो उसका स्क्वायर और प्लस में आ गया 2, होल स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस में 9 प्लस में 12x और प्लस में 2, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस में 12x प्लस में 11। अभी बताओ पॉलिनोमियल फंक्शन जब कॉन्टिन्यूस होता है तो ये भी पॉलिनोमियल थी, ये भी पॉलिनोमियल थी, कंपोजिशन से भी पॉलिनोमियल आई। आप चेक कर लेना बेटा, एट x इज इक्वल टू 2 पे करो, किसी पॉइंट को उठा सकते हो आप, तो दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन की कंपोजिशन भी क्या होती है, कॉन्टिन्यूस। अब कंपोजिशन में चाहे आप यहाँ से एफ सर्कल जी निकाल लो या फिर क्या निकाल लो, जी सर्कल एफ। लेकिन इन इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। किस टाइप के क्वेश्चन की जरूरत पड़ेगी, देखो यार, जैसे आपसे यूं कह दे एफ ऑफ एक्स बराबर कोस ऑफ मोड एक्स, एफ ऑफ एक्स कोस ऑफ मोड एक्स, मेरे कहने का मतलब ये है भाई, ये मोड ऑफ एक्स है ना, ये इस कोस का एंगल है, ठीक है। या फिर यू लिख दे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 1, तो ये भी क्या है, दो फंक्शन की कंपोजिशन से बना हुआ फंक्शन है। कैसे, जब इसकी क्वांटिटी की बात आएगी तो हम इसको मॉडुलस फंक्शन भी नहीं कह सकते और हम इसको कोसाइन फंक्शन भी नहीं कह सकते, ये दो फंक्शन से मिलके बना हुआ है। अगर मैं ये कहूँ, लेट कर लेते हैं, लेट कर लिया कि जी ऑफ एक्स है ना वो कोस एक्स है और एच ऑफ एक्स है वो मोड ऑफ एक्स है, एक ले लिया कोसाइन एक ले लिया मॉडुलस। और यहां से अगर मैं जी सर्कल एच निकालू, फंक्शन के नाम एफ ले जी ले एच ले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये लिखा जाएगा जी ऑफ एच ऑफ एक्स। अब g ऑफ h ऑफ x क्या है, मोड ऑफ x। क्या कह रहे हैं, g वाले फंक्शन में जाओ और x की जगह क्या रख दो, मोड x रख दिया। तुमने जब g सर्कल h निकाला तो जो आया वो तो सेम वही आ रहा है जो f ऑफ x था, तो तुम ही बताओ f जो है वो दो फंक्शन की कंपोजिशन है या नहीं है। आपको इतना एक्सप्लेन करना पड़ेगा, इतना एक्सप्लेन करने के बाद आपको क्या कहना है कि अगर ये f ऑफ x दो फंक्शन की कंपोजिशन से बना है और जिन दो फंक्शन की कंपोजिशन से बना है उनके बारे में हम पढ़ चुके कि कोसाइन फंक्शन जो होता है वो कॉन्टिन्यूस होता है एवरीवेयर, मॉडुलस फंक्शन जो होता है वो भी कॉन्टिन्यूस होता है, तो दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन की कंपोजिशन से बना जो f फंक्शन है वो भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस। आपको कितना एक्सप्लेन करना पड़ेगा, f फंक्शन उसने दे दिया, आप उसमें g और h ले दो, कंपोजिशन बना के दिखाओ, निकाल के दिखाओ, एफ के इक्वल आ गया, फिर लिखो नीचे वी नो दैट कोसाइन फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है, यानी कि जो जी फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है।
उसके बाद मॉडुलस फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस होता है, तो एच फंक्शन भी क्या है, कॉन्टिन्यूस है, तो उनसे बनने वाले कंपोजिशन जी सर्कल एच भी क्या हो जाएगी, कॉन्टिन्यूस, और अगर जी सर्कल एच कॉन्टिन्यूस है तो एफ तो उसके इक्वल है, तो एफ फंक्शन भी क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस। अब एक बात आती है यहाँ पे, मैंने जी सर्कल एच निकाला, मैं एच सर्कल जी भी तो निकाल सकते थे, सुनो भाई, अगर तुम एच सर्कल जी निकालते हो तो एच ऑफ जी ऑफ एक्स, एच ऑफ जी ऑफ एक्स, एच ले लिया बार और जी ऑफ एक्स क्या है, कोस एक्स, ये क्या कहता है, एच वाले फंक्शन में जाओ और एक्स की जगह क्या लिखो, कोस एक्स, रख दिया यहाँ पे। अब मुझे ये बताओ कि तुम्हारा जो एच सर्कल जी है क्या वो एच ऑफ टी एफ ऑफ एक्स आया, नहीं आया भाई, फंक्शन तो ये नहीं था, तो इन दोनों की कंपोजिशन से जी सर्कल एच से यह फर्क है, ध्यान कैसे रखना है, ये जो है फंक्शन है ना, इसमें पहला फंक्शन कौन है, कोस, उसको आप जो नाम दे रहे हो ना कंपोजिशन में उसको आप आगे रख लेना, उसको जो नाम दे रहे हो कंपोजिशन में उसको आगे रख लेना, पहले कोसाइन था तो कोसाइन फंक्शन जी में दे दिया, फिर मॉडुलस है तो ये जी सर्कल एच से क्या बनेगा, एफ, हमें दोनों करके देखने की जरूरत नहीं, हम सीधा बता देंगे कि जी सर्कल एच से एफ बनेगा या एच सर्कल जी से। एक क्वेश्चन देखो, जैसे एफ ऑफ एक्स दे दिया साइन ऑफ टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, फंक्शन तो ये साइन है, इसके एंगल का काम कौन कर रहा है, टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, लेकिन ये जो एफ ऑफ एक्स फंक्शन है ना, ये दो फंक्शन की कंपोजिशन है। अब जैसे मैं एच ऑफ एक्स ले लू साइन एक्स, कोई बाउंडेशन नहीं आपके ऊपर, आप पहले जी नाम ले लो या एच नाम ले लो, और मैंने जी ऑफ एक्स कह दिया टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो मुझे ये बताओ ये जो एफ फंक्शन बनेगा ना, ये जी सर्कल एच से बनेगा या एच सर्कल जी से, बात ये आती है। देखो भाई, इस एफ में आगे कौन है, साइन, और साइन फंक्शन का काम कौन कर रहा है, एच, तो एच सर्कल जी निकालोगे ना वो आपको एफ ऑफ एक्स आएगा, ना कि जी सर्कल एच, लिख के देखो एच ऑफ जी ऑफ एक्स, एच हमारा बाहर है, अब जी ऑफ एक्स क्या है, टू एक्स स्क्वायर प्लस में वन, और अब एच वाले फंक्शन में गए और x की जगह क्या रख दिया, 2x square plus में 1, ये किसके इक्वल है, f of x के। इतना करने के बाद आपको ये भी बताना पड़ेगा, अब बताना पड़ेगा कि भी हम f को कॉन्टिन्यूस क्यों कहेंगे, क्योंकि f जिन दो फंक्शन की कंपोजिशन से बन रहा है उनकी कॉन्टिन्यूटी की बात करो, h तो साइन फंक्शन है और साइन फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है एवरीवेयर, और जी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, दो डिग्री की पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस होता है एवरीवेयर, इसलिए दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन की कंपोजिशन से जो फंक्शन बनेगा वो भी आपका क्या होगा, कॉन्टिन्यूस। तो ये था जो हम सीधे रिजल्ट यूज करेंगे, सेवन चैप्टर में भी हम यूज करेंगे, सिर्फ डायरेक्ट कहते हुए वी नो दैट एक्सपोनेंशियल फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है, रैशनल फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है, ये रिजल्ट आपकी जो सेकेंड एक्सरसाइज है ना उसको शुरू होने से पहले, एग्जाम्पल शुरू होने से पहले आपको सारे रिजल्ट दे रखे हैं, वो हो सकता है हर फंक्शन में शायद एट एक्स इज इक्वल टू ए के लिए ही क्वांटिटी चेक कर रहा है, आप कोई भी पॉइंट लेके उसकी क्वांटिटी चेक कर सकते हो, और फिर ये चीज़ें याद भी रखनी है आपको, क्योंकि हम इनका आगे क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब देखो बेटा, हम इसकी एक्सरसाइज शुरू करते हैं, सेकेंड एक्सरसाइज 6.2, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2 के। तो ये क्वेश्चन मेरे ख्याल में हर बच्चा कर सकता है, सेम वही क्वेश्चन उठा के दे दिए जो हमने पीछे पढ़ रखे थे वो। सुनो भाई, क्या करोगे यहाँ पे, अगर ये एट x इज इक्वल टू 2 के लिए कॉन्टिन्यूस है तो फंक्शन की वैल्यू 2 पे निकालेंगे, उसकी लेफ्ट लिमिट और राइट हैंड लिमिट, और तीनों को निकाल के क्या करेंगे, इक्वल रख देंगे, तो k की क्या जाएगी वैल्यू। देखो जब आप फंक्शन की वैल्यू 2 पे निकालोगे तो x लेस देन और इक्वल टू, अपने आप लेस देन के साथ इक्वलिटी हमें इसे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इक्वलिटी यहाँ पे है तो x को 2 यहाँ रखेंगे तो कितना आ गए 2k प्लस में 5। जब लेफ्ट लिमिट निकालें तो लिमिट x टेंड करेगा 2k नेगेटिव को, और 2 से लेस फंक्शन क्या है, kx प्लस में 5, x को क्या पुट करेंगे 2 माइनस एच, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, x की जगह 2 माइनस एच और प्लस में 5 रखो, लिमिट x टेंड्स टू 0 अंदर मल्टीप्लाई कर दी मैंने 2k माइनस में kh प्लस में 5, h को 0 रखने से
लेफ्ट हैंड लिमिट भी कितनी आ गई 2k प्लस में 5। फिर जब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट एक्सटेंड करेगी 2k पॉजिटिव को। 2 से ग्रेटर का फंक्शन क्या है x माइनस 1। x को क्या पुट कर देंगे 2 प्लस एच, रखो लिमिट x टेंड्स टू 0, x की जगह रख दिया 2 प्लस एच माइनस 1, तो x तो हो गया 0 और 2 माइनस 1 कितना आ गया 1। यहाँ ले आओ फंक्शन की वैल्यू 2 पे 2k प्लस 5, लेफ्ट लिमिट भी 2k प्लस 5 और राइट हैंड लिमिट कितनी है 1। सोल्व कर दो जो इक्वेशन बन गई 2k इक्वल टू 1 माइनस 5 माइनस 4, तो हमारा k कितना आ जाएगा माइनस 2। और ऐसे इक्वेशन पिछले एक्सरसाइज में भी थे। फिर देखो बेटा इसी का सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट में भी यही कह रहे हैं कि k की वैल्यू निकालो फंक्शन कॉन्टिन्यूस दे रखा है किस पॉइंट पे 0 पे, यानी कि फंक्शन की वैल्यू 0 पे उसकी लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट तीनों निकाल के इक्वल रख लें। देखो जब फंक्शन की वैल्यू 0 पे निकालेंगे तो यहाँ से निकालेंगे, एक्स को हमने 0 रखा तो कोस 0 क्या होता है 1। जब आप लेफ्ट लिमिट निकालोगे तो लिमिट एक्सटेंड करेगी 0 के नेगेटिव को। अब 0 से लेस का फंक्शन क्या है के इंटू में एक्स स्क्वेयर प्लस में 3x। अगर x 0 नेगेटिव को टेंड करता है तो x की जगह हम 0 माइनस एच रखेंगे और 0 माइनस एच यानी कि माइनस एच। लिमिट x टेंड्स टू 0 k बार माइनस एच का स्क्वेयर तो हो जाएगा एच स्क्वेयर और माइनस में क्या आ गया 3h। इससे ज़्यादा हम इसको सोल्व नहीं कर सकते। जब हमने यहाँ पे लिमिट पुट की तो एच के 0 टेंड करने की वजह से पूरा फंक्शन क्या आ गया 0। ध्यान से सुनो, ये कह रहा था भी k की वैल्यू निकालो, कॉन्टिन्यूटी की बात कर रहा है, लेकिन जब हम इसमें फंक्शन की वैल्यू 0 पे देखते हैं तो वो 1 आई और लेफ्ट लिमिट हमारी क्या आ रही है 0, तो फंक्शन तो कॉन्टिन्यूस ही नहीं है। तो k की कोई भी वैल्यू नहीं होगी जिसके लिए फंक्शन क्या हो कॉन्टिन्यूस हो, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू 0 पे और उसकी लेफ्ट लिमिट अलग अलग आ रही है। अगर अब आप यहाँ से राइट हैंड लिमिट निकालते हो चाहे वो हमारी राइट लिमिट 0 आए चाहे 1 आए, लेकिन तीनों वैल्यू क्या होनी थी सेम। अब एक बार निकाल के देखो, जैसे आपने जब राइट एलिमेंट निकाली तो लिमिट एक्सटेंड करेगी 0 पॉजिटिव, 0 पॉजिटिव में फंक्शन क्या है कॉस 2x, एक्स को रख दिया मैंने 0 प्लस एच यानी कि एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0 तो भाई ये तो कॉस 2h आया ना और ये भी क्या आ गया 1। तो k के ऊपर तो डिपेंड ही नहीं करता इसका कॉन्टिन्यूस होना, यानी कि k तो अलग बात होगी, फंक्शन क्या है डिसकॉन्टिन्यूस है तो k की कोई भी वैसी वैल्यू नहीं होगी।